अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर मील्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। वेल, आज की हमारी रेसिपी है लोटस पिस्कॉफ चीज़ केक। इट्स वेरी यमी, इसमें कोई बेकिंग नहीं है और जेलेटिन को यूज़ किए बगैर मैं आपको इसका बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मेयरमेंट्स को रिलीजियसली फॉलो करना है। मेयरमेंट्स को फॉलो अगर आपने ठीक से किया तो यू आर गोइंग टू नेल इट लिटरली, एंड इट्स सो डिलीशियस। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए 300 मिल्स ऑफ थिक क्रीम, यानी कि वो क्रीम जो कि विप हो सके बड़ी ईजिली आपको इस मार्केट में मिल जाएगी, 500 ग्राम ऑफ क्रीम चीज़, 300 ग्राम ऑफ लोटस बिस्किट्स, ये मैंने 150 ग्राम बटर को लेके मेल्ट कर लिया है, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर, 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, ये आपको 250 ग्राम ऑफ लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड चाहिए। ये प्लीज़ आप दो बॉटल्स खरीद लीजिएगा क्योंकि जो दूसरी बॉटल है वो केक की टॉप लेयर में यूज़ होगी, मैं आपको प्रोसेस के दरमियान में बताऊंगी। ये मैंने एक हैंड बीटर ले लिया है और साथ ही मैंने बेकिंग पैन को बेकिंग पेपर लगा के इसकी बेस के ऊपर प्रिपेयर कर लिया है। बेकिंग पैन आपको ऐसा चाहिए जिसकी बेस डिटैचेबल हो, जस्ट लाइक द वे आई एम शोइंग यू इन द वीडियो। और इसका पर्पज़ क्या है ये जब केक बन रहा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने एक चॉपर लेके 300 ग्राम ऑफ लोटस बिस्किट्स को उसमें ऐड करना है और जब आप मशीन को रन करेंगे तो बिस्किट्स का बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो डजंट मैटर, आप किसी भी पैकेट में बिस्किट्स को डाल के अपने बेलन से जब ऊपर हिट करेंगे तो भी आप बिस्किट्स का पाउडर बना सकते हैं। जब पाउडर बन जाएगा तो आप उसके अंदर 150 ग्राम ऑफ मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और उसके बाद मैं मशीन को फिर से रन करूंगी। माय लिटिल वन इज हियर नाउ एंड ही वांटेड टू रन द मशीन। वेल, जब आप मशीन को बटर डाल के रन करेंगे तो बिस्किट्स को ऐसे हो जाना चाहिए जैसे कि वेट सैंड यानी कि गीली रेत होती है, तो बिस्किट्स को उस तरीके से हो जाना चाहिए ताकि जब आप इसको अपनी बेस लेयर के ऊपर सेट करें तो वो अच्छे से आपस में कंबाइन हो जाए। जो पाउडर हमने डाला हुआ था वो अच्छे से आपस में कंबाइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मेल्टेड बटर। तो अब मैं बेस लेयर में सबसे पहले ये बिस्किट्स डाल रही हूँ और इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करूँगी कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक हो जाए। और चम्मच से करने के बाद एक फ्लैट सरफेस वाला मेरे पास ग्लास है, मैं उससे अच्छे से प्रेस करूँगी इस पूरी बेस को। सी, ये इसका फाइनल लुक है बिस्किट्स की बेस को अच्छे से सेट करने के बाद। अब मैं इस बेकिंग पैन को उठा के फ्रिज में रख दूंगी जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आप एक बोल के अंदर 500 ग्राम ऑफ क्रीम चीज़ ले लीजिए और 500 ग्राम क्रीम चीज़ के अंदर मैं 250 ग्राम यानी कि हाफ ऑफ क्वांटिटी ऑफ लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको बीटर की मदद से 7 to 8 मिनट्स के लिए बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी कि जो आपका लोटस स्प्रेड है और क्रीम चीज़ है वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और पूरा मिक्सचर थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। ऑलराइट, तो जी इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से होना चाहिए और अब मैं इस बोल को भी उठाकर फ्रिज में रख दूँगी जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपने एक सेपरेट बोल के अंदर 300 ml ऑफ थिक क्रीम या फिर हैवी क्रीम के नाम से भी मिलती है मार्केट में, आप ये कह के भी ले सकते हैं कि वो क्रीम जो अच्छे से विप हो जाए, आप उस क्रीम को डालेंगे बोल के अंदर और हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट करेंगे अनटिल द पॉइंट कि वो अच्छे से फ्लफी हो जाए। इस प्रोसेस में 5 to 6 मिनट्स लगेंगे और आप वीडियो में अभी देखेंगे कि मैंने इसको किस पॉइंट तक बीट किया है, आपने भी उस पॉइंट तक इसको बीट करके बड़ा अच्छा सा फ्लफी कर लेना है। ऑलराइट, जब आपकी क्रीम ऐसे थिक होना स्टार्ट हो जाए तो बीच में आप उसको रोक के 1 टेबलस्पून ऑफ वनीला एक्स्ट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस और 4 टेबलस्पून ऑफ आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी डाल के इसको दोबारा से बीट करना स्टार्ट करेंगे अनटिल द पॉइंट के वो ठीक से फ्लफी हो जाए। जस्ट फॉलो द वीडियो। ऑलराइट, तो आपने क्रीम को इस पॉइंट तक अच्छे से विप करना है कि वो बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं रही है, वो अच्छे से फ्लफी और स्टिफ हो गई है। ऑलराइट, अब आप ये दोनों बोल्स ले लीजिए, क्रीम चीज़ मिक्स वाला और विप क्रीम वाला, और विप क्रीम को अब मैं क्रीम चीज़ के अंदर बड़े ही अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने इसको विग्रस मिक्सिंग नहीं करनी है, बहुत लाइट हैंड के साथ दोनों मिक्सचर्स को आपस में बस फोल्ड करते चले जाएंगे अनटिल द पॉइंट के ये दोनों अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। इसको हमने बीटर की मदद से मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे फोल्डिंग एक्शन के साथ आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। थोड़ी थोड़ी करके आप विप क्रीम डालते जाएंगे और फोल्ड करके मिक्स करते जाएंगे, एकदम से आपने सारी क्रीम नहीं डालनी और बहुत फास्ट मिक्स नहीं करना। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज़ द परफेक्ट पॉइंट। विप क्रीम को क्रीम चीज़ के अंदर बड़े अच्छे से हमने मिक्स कर लिए।
और राइट, नेक्स्ट मैंने अपना ये बेकिंग पैन फ्रिज से बाहर निकाल लिया जिसमें मैंने बिस्किट्स की बेस लेयर सेट की थी। अब इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर मैं अच्छे से स्प्रेड करूंगी। ऑल राइट, अब ये सारा मिक्सचर डालने के बाद मैं एक स्पैचुला की मदद से या फिर कोई भी फ्लैट सरफेस का स्पून लेके आप इसको ऊपर से लेवल कर लीजिए। ऑल राइट, तो अब इसकी सरफेस ऊपर से काफ़ी लेवल हो गई है। साइड्स पे जो एक्स्ट्रा का लगा हुआ है उसको मैं टिश्यू से क्लीन करके इसको कवर करके फ्रिज में छोड़ दूंगी 2 आवर्स के लिए कि ये थोड़ा सेट हो जाए। ऑल राइट, तो 2 आवर्स गुजर गए और मैंने चीज़ केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और ये अब आपने लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड की सेकेंड बॉटल ले लेनी है। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था कि आपको 2 बॉटल्स चाहिए, तो दूसरी बॉटल को हम अब यूज़ करेंगे। इसको 15 सेकेंड्स के लिए मैंने माइक्रोवेव में रखा था जिसकी वजह से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन और ये स्प्रेडेबल हो गया। अब मैं इसको केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी कि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और इसकी एक लेयर क्रिएट हो जाए। ऑल राइट, ऑल गुड, ऑल डन। अब आप अपने केक को उठा के फ्रिज में रख दीजिए। ओवरनाइट इज़ द बेस्ट टाइम, नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए अब हम इसको फ्रिज में छोड़ देंगे। राइट, तो जी हमारा नो बेक नो जेलेटिन चीज़ केक रेडी है। मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ा था और अब मैं इसको बड़े ही एहतियात के साथ पैन से निकाल लूँगी। नीचे मैंने एक ग्लास रखा है और क्योंकि ये डिटैचेबल बेस है मैं इसको बड़ा ही सॉफ्टली पुश करूँगी तो ये हमारा केक बाहर आ जाएगा। ऑल राइट, अब मैं अपने चीज़ केक की टॉपिंग कर लूँगी। टॉपिंग इज़ टोटली अप टू यू। मैं बिस्किट्स के क्रम्स यूज़ करूँगी और जो टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि क्रम्स नीचे नहीं गिरें तो वो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। मैंने ये बेकिंग पेपर रखा है और अब मैं ऊपर क्रम्स डालूँगी। इससे ये होगा कि क्रम्स नीचे नहीं गिरेंगे और साइड्स हमारी केक की बिल्कुल नीट रहेंगी। Here is our final product. Please follow all the measurements तो आप confidently ये केक बहुत easily बना सकते हैं। Thank you so much for watching. अगर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please press the red subscribe button and the bell icon as well ताकि आपको मेरी upcoming videos के notifications मिलते रहें। And help my newborn channel grow. See you next time with a new exciting video. Allah Hafiz.